नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश की तमाम बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पास किया धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 10 साल तक की जेल का प्रावधान। जम्मू कश्मीर को बड़ा तोहफा, पीएम नरेंद्र मोदी ने की पीएम जय सेहत की शुरुआत। दिल्ली से चुनाव का जिक्र, पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं और पुडुचेरी में पंचायत चुनाव नहीं होने देते। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन, कहा एक्टर रजनीकांत का बीपी अब भी हाई, जांच में कुछ चिंताजनक नहीं मिला। ऑस्ट्रेलियाई टीम 10 साल पहली बार हुई एमसीजी बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन ऑल आउट। केंद्र सरकार ने आरटीआई के जवाब में कहा पीएम केयर फंड भारत सरकार का उसके द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्थान है। शिमला में जन्मे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन का 75 साल की उम्र में निधन। जावड़ेकर ने राहुल को दी कृषि कानूनों पर बहस की चुनौती, राहुल बोले सरकार को सुनना पड़ेगा। एनएचएआई ने कहा फास्टैग से दैनिक टोल कलेक्शन 80 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। राजस्थान के कैफे में क्रिसमस पार्टी में जुटे करीब 100 युवा, संचालक समेत 4 गिरफ्तार। अरुणाचल के राजनीतिक घटनाक्रम पर तेज प्रताप यादव बोले शुरुआत हो चुकी है, बिहार में भी सफाया होगा। योगी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम को विकास और कोविड-19 मैनेजमेंट पर बहस की चुनौती। पेशी से बचने के लिए कोविड-19 की फर्जी रिपोर्ट बनवाने में फंसे संत कबीर नगर के मेहदावल से बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल, दर्ज होगा केस। मेरठ में कोरोना के नए स्ट्रेन का मंडरा रहा खतरा, लंदन में आए एक ही परिवार के 3 सदस्य निकले पॉजिटिव। गायों की अस्थियों को मंदाकिनी में विसर्जित करने निकले कांग्रेसी, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार। लखनऊ में मोहनलालगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे मृत सुजीत पांडे के परिजनों से मिले शिवपाल यादव, बोले व्यापार मंडल अध्यक्ष की हत्या ने साबित किया कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है। एटा में अधिवक्ता के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट के विरोध में वकीलों ने राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन किया। लखनऊ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू की नगर नगर डगर डगर पद यात्रा। फरार आईपीएस अरविंद सेन के घर डुगडुगी बजवाकर पुलिस ने दी कुर्की की नोटिस, 25,000 का इनाम भी घोषित है आईपीएस पर। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर तंज, कहा जनता का अपमान करोगे तो 2024 में रायबरेली सीट भी करवा देंगे खाली। फिलहाल अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।